फ्रेंड चलिए परवल की टेस्टी सी यमी सी रेसिपी बनाते हैं। जैसे आप नॉर्मल परवल बनाते हैं उससे थोड़ा सा हटके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग परवल लिए है, इसको हम अच्छे से छील लेंगे। हमें इसको ये काटने वाला चाकू जो आता है इससे ही रब करके हल्का हल्का सा छील लेना है। आप चाहें तो इसको बिना छीले भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने परवल को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसका ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट इनको अलग कर देंगे। इसी प्रकार से हम सारे परवल को अच्छे से छील लेंगे। फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए थोड़ा सा बड़े परवल ही लीजिए, छोटे परवल का इस्तेमाल मत कीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा परवल लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए हमने परवल को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसमें एक ऐसे लंबा कट लगा देते हैं। हमें इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है, सिर्फ एक कट लगाना है। इसी प्रकार से हम सारे परवल में अच्छे से कट लगा देंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी टेस्टी है, बच्चे क्या बड़े भी इसे मांग मांग के खाएंगे। आप एक बार बना के तो देखिए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये लीजिए मैंने सारे परवल में अच्छे से कट लगा दिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। इसको स्पून की सहायता से परवल के साथ मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, इससे हमारे परवल सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो रेसिपी है वो भी बनने में बहुत ही आसानी होगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने नमक और हल्दी के साथ परवल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखते हैं और इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। फ्रेंड्स मसाला बनाने के लिए मैंने एक प्याज ली है, 2 से 3 टमाटर लिए हैं, 4 से 5 काजू लिए हैं और 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं। अब हम एक मिक्सर का जार लेते हैं और इसमें अपने प्याज को नॉर्मल चॉप करके ऐड करते हैं। इसको बारीक चॉप नहीं करना है, नॉर्मली ऐसे ही रफली चॉप करके ऐड करते हैं। इसमें काजू को भी ऐड करते हैं, 4 से 5 काजू और 8 से 10 लहसुन की कलियां और अपने टमाटर को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम इसका लेड लगाते हैं। इसके बाद हम इसकी लीड लगाते हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 से 2 हरी मिर्च को ऐड कर रही हूँ। अब इसकी लीड लगाते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए अपनी ग्रेवी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा मसाला अच्छे से बनके तैयार है। फ्रेंड्स अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हैं और इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इनको अच्छे से चटकने देंगे। 1 पिंच के लगभग हम इसमें हींग ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से सॉटी कर लेंगे। कलौंजी से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा था उसको हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम इस मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, जैसे जैसे मसाला भूनता जा रहा है मसाला में थिकनेस आती जा रही है। इस मसाले को हमें कम से कम अच्छे से 8 से 10 मिनट भूनना है। फ्रेंड्स ये देखिए मसाला धीरे धीरे अच्छे से भुनने लगा है। अब हम इसमें कुछ नॉर्मल मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करते हैं, 1 चम्मच के लगभग हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड करते हैं। फ्रेंड्स जब इस मसाले में सूखे मसाले मिलेंगे तो इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा और इसका जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा और इसकी थिकनेस भी अच्छे से बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाला भूनते भूनते कम से कम 8-10 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज में हम इसमें ढेर सारा धनिया ऐड करेंगे क्योंकि धनिया से भी इस रेसिपी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, मसाला बिल्कुल ठीक हो गया। बस हमें मसाले को इसी स्टेज तक लेके आना था। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, मसाला बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो परवल कट करके रखे थे उनको लेंगे और उनको ऐसे खोलेंगे। फ्रेंड्स नमक हल्दी लगाने से परवल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब इस मसाले को हम इसमें अच्छे से भर देंगे। फ्रेंड्स मसाले को हमें यहाँ पर ठूस ठूस के भरना है क्योंकि मसाला बहुत ही इजीली भर के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, मसाला अच्छे से भरा जा रहा है। बस इसी प्रकार से हमें हर एक परवल में मसाला अच्छे से भर देना है। फ्रेंड्स ये सब्जी एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे क्योंकि नॉर्मल पर अधिकतर बच्चे परवल खाना पसंद नहीं करते हों, लेकिन जब आप ये सब्जी बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सारे परवल को अच्छे से भर दिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे कढ़ाई या पैन चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई या पैन चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, मैंने यहाँ पर एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। अब हम अपने परवल को इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। फ्रेंड्स गैस को हमें यहाँ पर स्लो ही रखना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, गैस को हमें यहाँ पर स्लो ही रखना है और सारे परवल को हमें पैन में अच्छे से लगा देना है ताकि ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाए। इसको धीरे धीरे सिकने देंगे, जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हम दूसरी साइड टर्न कर देंगे। अब हम गैस पैन की लिड को हटाएंगे और इनको अच्छे से पलट देंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, इस पे बहुत ही अच्छा सा कलर भी आने लगा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सारे अच्छे से पलट दिए हैं। अब हम वापस से पैन की लिड को लगाएंगे और 2 मिनट के लिए वापस पकने देंगे। फ्रेंड्स चलिए वापस से लिड को हटाते हैं और अपनी सब्जी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारी भरवा परवल की सब्जी बन के तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं। इस प्लेट में मैंने वही मसाला थोड़ा सा नीचे लगाया है जिसको हमने परवल में भरा था। फ्रेंड्स अब हम एक एक परवल को इस मसाले के ऊपर रखेंगे। फ्रेंड्स सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार इसे बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप इसे रोटी पूड़ी नान पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। चावल दाल चावल के साथ तो ये सब्जी कमाल की लगती है। आप इसे साइड डिश के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम भरवा करेला खाना पसंद करते हैं ना, उसी प्रकार से ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, मेरी परवल की भरवा सब्जी बनके तैयार है। आपको ये सब्जी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे और अच्छा लग अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये देखने में और भी लाजवाब लगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए और इन गर्मियों में अपना ध्यान रखिए।